जिला फिरोजपुर के कस्बा तलवंडी भाई में चोरी की वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही और शहर में आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागने का नाम नहीं ले रहा। उधर चोरियों को लेकर शहर के दुकानदारों में सहम का माहौल बना हुआ है। शहर में लगातार चोरियां हो रही हैं। इसी बीती रात भी तलवंडी भाई की बाबा विश्वकर्मा मार्केट में चोरों की तरफ से एक करियाने की दुकान को अपना निशाना बनाया गया। जानकारी देते हुए दुकान मालिक ने बताया कि बीती रात वह दुकान बंद कर घर गया था और सुबह उसको किसी ने बताया कि उसकी दुकान का शटर खुला है और जब उसने आकर देखा तो दुकान का शटर टूटा हुआ था। दुकान में पड़ा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था जिसमें से काफी सामान चोरी हो गया था, जिसकी जानकारी उसने तुरंत स्थानीय पुलिस को भी दी। मगर पुलिस अपनी आदत से मजबूर टाइम पर पहुंचने के बजाय देरी से पहुंची और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए उल्टा दुकानदार से सवाल किए जाने लगी कि उनकी दुकान का बीमा हुआ है, दुकान में कैमरे लगे हुए हैं या नहीं। तो दुकानदार ने जवाब दिया कि वह टॉफियां बेचने का काम करता है, सोने का नहीं। उन्होंने बताया कि अभी वह कल 50,000 का सामान दुकान के लिए लाया था जो सारा का सारा चोर उड़ा ले गए। वही दुकानदारों ने बताया कि दुकानों में हो रही चोरियों को लेकर वह कई बार पुलिस कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। तरनतारन में 2 महीने पहले श्री दरबार साहिब तरनतारन में कथित रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले को लेकर आज श्री दरबार साहिब के बाहर विभिन्न सिख संगठनों ने बेअदबी मामले में शामिल हेड ग्रंथी निर्मल सिंह की बदली को लेकर शांतमय ढंग से धरना लगाया। सिख संगठनों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव गुरबचन सिंह करमूवाल को भी निशाना बनाया और कहा कि हेड ग्रंथी को सचिव के आशीर्वाद के चलते जानबूझकर बदला नहीं जा रहा। इस संबंध में 5 प्यारों में शामिल भाई विक्रमजीत सिंह ने बताया कि आज के 2 महीने पूर्व श्री दरबार साहिब तरनतारन में हेड ग्रंथी निर्मल सिंह की ड्यूटी के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई थी, के चलते सिख संगठनों में रोष था और इसकी शिकायत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से की गई थी, लेकिन शिरोमणि कमेटी की तरफ से उक्त हेड ग्रंथी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज सिख संगठनों को यह धरना लगाने को मजबूर होना पड़ा। दूसरी तरफ हेड ग्रंथी निर्मल सिंह ने कहा कि श्री दरबार साहिब में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, कुछ लोग बिना वजह इस मामले को तूल दे रहे हैं। फरवरी महीने की बरसात बीती रात करीब 10 बजे शुरू हुई। तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने के साथ ही रात भर ओलावृष्टि होती रही। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ से मिली रिपोर्टों के आधार पर चंडीगढ़ और पंजाब में कल रात से लेकर आज पूरा दिन रुक रुक कर कहीं तेज तो कहीं दरमियानी बारिश होती रही। मौसम माहिरों के मुताबिक अभी कल दोपहर तक बादल बने रहेंगे और तेज गड़गड़ाहट के साथ ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। अब तक मिली रिपोर्ट के आधार पर किस एरिया में कितनी बारिश हुई इस पर नजर डालते हैं। यह आंकड़े गुरुवार सुबह 8 बजे तक के हैं। अम्बाला में 2.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, चंडीगढ़ में 5.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, अमृतसर में 10.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, लुधियाना में 6.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, पटियाला में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, पठानकोट में 26.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, आदमपुर में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, हलवारा में 23.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, फरीदकोट में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और गुरदासपुर में 11.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी के साथ ही नजर डालते हैं आज के मिनिमम तापमान पर। एक नजर, बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। चंडीगढ़ का मिनिमम तापमान 14.4 डिग्री रहा, अंबाला का 13.4, अमृतसर का 8.6 डिग्री, लुधियाना का 12.2 डिग्री, पटियाला का 12.9 डिग्री, पठानकोट का 11.7 डिग्री, आदमपुर का 10.7 डिग्री, हलवारा का 11.1 डिग्री, बठिंडा का 10.9 डिग्री, फरीदकोट का 9.8 डिग्री और गुरदासपुर का 4.8 डिग्री मिनिमम तापमान रिकॉर्ड किया गया। और बल्लोवाल सेखड़ी का मिनिमम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मुताबिक फरवरी महीने के पहले सप्ताह में हुई बरसात ने 1970 के बाद के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लुधियाना स्थित पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग की माने तो फरवरी के पहले सप्ताह में अब तक करीब 43.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। उन्होंने इसे गेहूं की फसल के लिए लाभदायक बताया है। संभावना व्यक्त की है कि कल भी बादल छाए रहेंगे।
जहां एक तरफ देश में हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही है जो कि कई किलोमीटर का सफर कुछ ही घंटों में तय कर लेती है, वहीं पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाली रेलवे मार्ग में 145 किलोमीटर का सफर यात्रियों को पूरा करने में 9 घंटे तक लग जाते थे, जिसको देखते हुए रेल मंत्रालय की ओर से पठानकोट में वैजनाथ के लिए स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। आज पहले दिन पठानकोट से पपरोला के लिए रवाना हुई इस ट्रेन में, जहां सफर 5 घंटे का रह गया, वहीं इसका फायदा व्यापारियों को और रोज इस ट्रेन में सफर करने वालों को मिलेगा। इसके अलावा बाहरी क्षेत्रों से हिमाचल में धार्मिक स्थानों के दर्शन करने के लिए जाने वाले सैलानियों को भी इसका फायदा मिलेगा। सुबह 9:20 पर यह ट्रेन पठानकोट से रवाना होगी और शाम को 4:20 पर यह उधर से चलेगी, जिसको लेकर सैलानियों और ट्रेन में रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिला। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे विभाग की ओर से शुरू की गई एक्सप्रेस ट्रेन में 4 डिब्बे जोड़े गए हैं, जिसमें बढ़िया किस्म की सीटें यात्रियों के आराम को देखते हुए लगाई गई हैं। इसके अलावा वीवो में फ्री वाईफाई सिस्टम भी यात्रियों को दिया गया है, ताकि वह हिमाचल की वादियों में जहां तेज रफ्तार का आनंद लेंगे, वहीं नेट पर उस इलाके की जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। इस बारे में सैलानियों और रोज सफर करने वाले यात्रियों ने कहा कि एक बहुत बड़ा प्रयास है, इससे जहां सफर कम होगा वहीं व्यापार में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। जो लोग हर रोज इस ट्रेन में सफर करते हैं वो जल्द अपना काम खत्म कर शाम को इसी ट्रेन से वापिस आ सकेंगे। इस ट्रेन को आज पहले दिन ले जाने वाले लोको पायलट से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इसका पहले दिन चलाकर उद्घाटन कर रहा हूं। यह 145 किलोमीटर का सफर अब 4-5 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। इससे जहां सफर कम होगा वहीं व्यापार और सैलानियों में भी वृद्धि होगी।